हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुडे। इस वीडियो में आज मैं एक और पेपर आपके सामने लेके आया हूँ, और जो ये कोड है ये है आपका 69, और ये असिस्टेंट ड्राफ्टमैन का था। अगर आप में से कोई तैयारी कर रहे हैं प्रतिरूप सहायक की, क्योंकि काफ़ी एग्ज़ाम आते हैं उसमें आपका पोस्ट दिया रहता है, किसी में ट्वेल्थ मांगता है, किसी में आपका ग्रेजुएशन मांगता है, तो आप लोग क्या करते हैं सारे के सारे पोस्टें भरते हैं। तो ये असिस्टेंट जो ड्राफ्टमैन का पोस्ट आया था, तो उसका ये आपका पेपर है। तो आप देख सकते हैं ये पेपर बिल्कुल ओरिजिनल है। मैं आपको जो भी पेपर देता हूँ वो बिल्कुल ओरिजिनल होते हैं, जिससे आप अच्छी सी प्रिपरेशन अपनी कर सकें। ये उन बच्चों के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग है, जो बच्चे आपके कोचिंग क्लासेस में नहीं जा पाते या फिर कोई कोचिंग नहीं ले पाते हैं, परंतु वो यूट्यूब के माध्यम से या फिर फ़ोन के माध्यम से एक गाइडेंस ढूंढ रहे हैं। तो मैं उन सब के लिए ये वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, ताकि उनको एक तरीके से गाइडेंस हो और काफ़ी अच्छे एक तरीके से अपना प्रदर्शन आगे वाले प्लेटफॉर्म में कर सकें। अगर आप एक तरीके से बहुत सीनियर हैं, आप हमारी वीडियोस देखते हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, बच्चों को हमारे चैनल के बारे में बता सकते हैं कि वहाँ पर आप उत्तराखंड की जो तैयारी है या फिर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी है, एसएससी, रेलवे, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी, तो आप हमारे साथ क्या कर सकते हैं, बैठकर कर सकते हैं। तो हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं वो अपलोड हो जाते हैं। ओके, जैसे ही हमें समय लगता है तो हम यूट्यूब के लिए आपके लिए टाइम निकाल करके एक अच्छी सी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए बना देते हैं। तो ये फ्री ऑनलाइन कोचिंग है, इसके लिए आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए एजी टुडे के साथ, और औरों को भी आप बता सकते हैं कि एजी टुडे एक ऐसा चैनल है जो आप लोगों के लिए क्या करता है, फ्री में क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाता है और भी चीज़ें आपको क्या करता है, प्रोवाइड करवा रहा है। तो अगर आप तैयारी में नहीं है तो आप दूसरों को सजेस्ट कर सकते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम इस पेपर में आगे बात करते हैं। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो आपका ESI है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, तो कर्मचारी राज्य बीमा योजना। और 2015 में जो आपका बेल्जियम, ठीक है, जो बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स है, तो ये कौन जीता था? तो ये जीता था आपका इंग्लैंड जीता था। तो बैंगलोर बुल्स को हराने के बाद, ठीक है, कबड्डी स्टार स्पोर्ट्स का दूसरा संस्करण किसने जीता था? तो यू मुंबा ने जीता था। और राष्ट्रीय शिक्षक जो पुरस्कार है, जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार है, तो उसकी राशि 25,000 रुपये से कितनी बढ़ा दी गई थी? तो 50,000 रुपये इसकी बढ़ा दी गई है। तो चलिए फिर आगे बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो निर्वाचन क्षेत्र है वो कहाँ से था? तो वाराणसी से था। भारत प्रशांत द्वीप सहयोग शिखर सम्मेलन का जो दूसरा फोरम हुआ वो कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये आपका जयपुर में आयोजित हुआ था। इस अब देखिए क्वेश्चन 7 है, तो इसमें हमें सत्य कथन चूज करना है। केंद्र सरकार ने विद्या लक्ष्मी का शुभारंभ किया, ओके, ये आपका बिल्कुल सही है। और यह एक वेब पोर्टल है, तो विद्या लक्ष्मी एक वेब पोर्टल है जो आपकी शिक्षा से संबंधित है, जो शिक्षा में ऋण उपलब्ध करवाती है। तो इसका आंसर ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन इज सी इज अ करेक्ट आंसर। अब देखिए, निम्न में से कौन शैक्षिक ऋण से संबंधित है? तो देखिए, वेब पोर्टल विद्या लक्ष्मी। तो अब आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। और लीलाधर जुगड़ी किससे संबंधित है? तो ये आपकी कवि हैं। अल्मोड़ा मुद्राएं आपके कुणिंद राजवंशों से संबंधित थी। और मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव, ठीक है, IFFM 2015, तो के विषय में एक तरीके से समाप्त हो गया। उसका जो विषय था वो था आपका समानता। और राजीव मंगला को के मुख्य प्रौद्योगिक अधिकार CTO के रूप में नियुक्त किया गया, तो स्नैपडील। तो मतलब जो आपकी राजीव मंगला है वो स्नैपडील की क्या है, सी, ठीक है, CTO है। तो चलिए फिर आगे बात करते हैं। तो हम उन्हीं क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे जो क्या होंगे, आपका GS से रिलेटेड होंगे, जो आप हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम छोड़ते चलेंगे, हमने उसमें ऑप्शन लगाए होंगे, तो आप उनको पढ़ के आराम से देख सकते हैं। उत्तराखंड में जो कत्था फैक्ट्री है, तो उत्तराखंड में कत्था फैक्ट्री आपकी हल्द्वानी में पड़ती है। तो ये क्वेश्चन मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, क्योंकि नया क्वेश्चन है, इसीलिए जो पुराने क्वेश्चन आते जाएंगे वो आपसे मैं पूछता जाऊँगा। तो हल्द्वानी में, हल्द्वानी कहाँ पड़ता है, नैनीताल में। गढ़वाल राजा के जो पंवार वंश है, तो उनका संस्थापक कौन था? कनकपाल था उनका संस्थापक। और ये एक तरीके से कहा जाता है कि ये गढ़वाल का राजा था, और 888 मतलब 888 ईस्वी में, ठीक है, 888 ईस्वी में ये कहाँ आया था? ये आया था, ठीक है, 888 ईस्वी, ठीक है, कहाँ आया था? ये आया था आपका चमोली में, बद्रीनाथ की यात्रा करने के लिए। तो उस समय जो चांद्रपुर गढ़ी के जो राजा थे आपके भानु प्रताप, और चांदपुर गढ़ी के जो राजा थे आपके भानु प्रताप, उन्होंने क्या किया, इससे इम्प्रेस होकर अपने यहाँ इनको रखा, और जो अपनी पुत्री थी उसकी शादी इससे करा दी थी। और उसके बाद मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि जो 888 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था आपका, वहाँ पर नींव रखी।
किसकी, एक पंवार वंश की, तो यही इनकी कहानी है। तो आप हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, यूट्यूब में डले हुए हैं, तो वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। HAL ने में हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर मतलब LH का गर्म और उच्च ऊंचाई पर सफलता परीक्षण किया, तो कहाँ किया, तो ये आपका लेह में किया। लेह कहाँ पड़ता है आपका, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो CSIRO का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है, कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको याद कर लीजिएगा, आगे आने वाले एग्जाम में आ सकता है। तो ये कह रहा है कि पहली बार विश्वविद्यालय ने हिंदी में एक MPhil की डिग्री प्राप्त करी, तो वो थे आपके पाकिस्तान। फतेह प्रकाश को लिखा, किसके द्वारा लिखा गया, तो कवि रत्न के द्वारा ये लिखा गया था। VPS का जो एक तरीके से कह सकते हैं स्टैंड मतलब फुल फॉर्म क्या है, तो ये है आपकी बिट्स पर सेकंड। और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल क्या होता था, तो ये होता था आपका VLSI। तो कंप्यूटर की भी जनरेशन होती है, तो उसी तरीके से तो उसने वाला क्वेश्चन पूछा था। तो डिजिटल आपका सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर क्या है आपका, तो ये है आपका इनक्रिप्टिंग इंफॉर्मेशन। गूगल, गूगल क्या है, एक तरीके का ये सर्च इंजन है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर ने सम्राट पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया, तो किस पे डाक टिकट जारी किया था, तो अशोक पे डाक टिकट जारी किया था। भारत ने जो शीर्ष उत्कृष्ट पुरस्कार 2015 जीता, तो वो आपका यूनेस्को पुरस्कार था। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो अरविंद पनगरिया, ठीक है। जो इसका अध्यक्ष होता है ना, तो अगर अध्यक्ष आएगा तो नरेंद्र मोदी अध्यक्ष होता है, मतलब ठीक है। ये नीति आयोग वही है जो आपने योजना आयोग सुना होगा, तो योजना आयोग ही है, ठीक है, ये योजना आयोग ही है, और इसके अध्यक्ष आपके नरेंद्र मोदी होते हैं। और जो योजना आयोग को जो चेंज किया आपका नीति आयोग में, ये किया था आपका 1 जनवरी, 1 जनवरी 2015 को, तो इसको आप नोट कर लीजिए। काली और गौरी नदी के संगम पर मनाया जाता है कौन सा, जौलजीबी मेला मनाया जाता है। आदि बद्री माणा और विष्णु प्रयाग में स्थित है आपका, चमोली स्थित है। भगवानपुर, खानपुर और जो लक्सर है, ये जिले हैं ये एक तरीके से, ठीक है। जो भगवानपुर, खानपुर और जो लक्सर है, ये आपके किस जिले में पड़ते हैं, तो ये आपके हरिद्वार में पड़ते हैं, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यूनाइटेड किंगडम का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले जो प्रथम शासक था, वो थी आपकी महारानी एलिजाबेथ 2। देहरादून में स्थित वाडे संस्थान एक तरीके से किससे संबंधित है, तो ये है आपका भूवैज्ञानिक अध्ययनों संबंधित है, और ये आपका देहरादून में संबंधित है। जो स्वामी राम है वो किसके संस्थापक है, तो ये आपका हिमालयन इंस्टीट्यूट जो हॉस्पिटल है ट्रस्ट, उससे संबंधित है और उसी के संस्थापक ये है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो टिहरी राज्य का जो अंतिम महाराजा था वो कौन था, वो मानवेंद्र शाह था। कभी कभी क्वेश्चन ये आ सकता है कि मानवेंद्र शाह का जो तिलक हुआ वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 1946 में। और किस राज्य विधानसभा ने सरकारी कर्मचारियों द्वारा जनता की शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए लोक शिकायत निवारण विधेयक 2015 पारित किया, तो ये है आपका बिहार। और श्रीलंकाई क्रिकेटर ने भारत के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला के दौरान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया, तो वो थे आपके कुमार संगकारा। तो कुमार संगकारा एक बेहतरीन जो क्रिकेटर थे, वो भी छोड़ के जा चुके हैं। और इसके बाद देखिए कौन सी राज्य सरकार आपके असंगठित श्रमिकों के लिए दावा निपटान प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के लिए कॉल सेंटर खोलेगी, तो आंध्र प्रदेश खोलेगी, ठीक है। और आंध्र प्रदेश का जो राजधानी है, आप मुझे बताएंगे आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है। और आंध्र प्रदेश पहला भाषाई राज्य था जो सबसे पहले बना था। ऑपरेशन लापता और आपका बेसहारा बच्चों का पता लगाने और माता पिता के साथ उन्हें आपका जो पुनर्मिलन होता है, और के रेलवे पुलिस ने एक पहल के रूप में शुरू किया है, तो ये कौन सी योजना का नाम क्या है, तो ये है आपका मुस्कान योजना। प्रजामंडल जो आंदोलन संबंधित था, तो ये किससे संबंधित था, ये टिहरी गढ़वाल से संबंधित था। काफ़ी लोग परेशान हो गए थे, टिहरी को आज़ाद कराना चाहते थे, इसीलिए प्रजा जो थी वो क्या करती थी, ये चाहती थी कि भाई हमें मुक्त कर दिया जाए टिहरी रियासत से। अब देखिए यहाँ पर हिंदी के कुछ क्वेश्चन हैं। महाओदार्य, इसका जो संधि विच्छेद है वो है आपके महोदार्य, जो यण संधि का उदाहरण है, तो उपरोक्त दोनों अत्यधिक और आपका उपयुक्ति, दोनों इसमें यण संधियाँ हैं। अब देखिए यहाँ पर देशज शब्द का चयन करना था, तो खिड़की आपका क्या है, देशज शब्द है।
पृथ्वी के जो पर्यायवाची नहीं है, देखिए भू भी पृथ्वी का पर्यायवाची है, भूमि भी, जमीन भी, तो दक्ष आपका भूमि का, सॉरी पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। और पुष्प के पर्यायवाची शब्द कौन से, उपयुक्त सभी फूल, कुसुम और सुमन। और जो अमावस्या का जो विलोम है क्या हो सकता है, वो आपका पूर्णिमा हो सकता है। और आगे बात करते हैं, तो पीत है अंबर जिसके अर्थात विष्णु पीताम्बर। तो जब भी ऐसा हो कि एक तरीके से मतलब तीसरे पे कोई बात आ जाए, ठीक है, मतलब बात चल रही हो और तीसरे को संबोधित कर रहा होता, तो वहाँ पर हमेशा बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा का जो चयन कीजिए, तो भाववाचक कौन सा, सुंदरता एक आ गया आपका भाववाचक है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो अब हवन समाप्त होने को है, तो ये एक तरीके से क्या शुद्ध वाक्य है। अब देखिए यहाँ पर, जिसकी उपमा ना दी जा सके तो वो क्या होता है, अनुपम होता है। और गागर में सागर भरता मुहावरे का अर्थ क्या है, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। शुद्ध शब्द का चयन करना है तो उपयुक्त सारे क्षमा आशीर्वाद और आदर्श आपके क्या हैं, तीन जो चारों के जो तीनों के तीनों हैं, ठीक है, तो वो बिल्कुल सही है, तो चौथा इसका ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो ये सारे क्वेश्चन क्या हैं, सब्जेक्टिव वाइज हैं, जैसा मैंने आप सभी को बताया, हम उन्हीं क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चंस क्या होंगे आपके जीएस से संबंधित होंगे, तो आप इन क्वेश्चनों को देख सकते हैं, मैं धीरे धीरे इन सारे क्वेश्चनों को आपको दिखा देता हूँ, तो आप स्टॉप करके क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन में बात करूँगा जो क्वेश्चन क्या होगा आपका बिल्कुल जीएस से संबंधित होंगे। तो जैसा आप ये वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, कौन सा संबंध असत्य है, देखिए 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इज 10 की पावर माइनस 10 मीटर, बिल्कुल सही, 1 MeV इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 13 जूल, और ये गलत है आपका, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन, तो ये गलत है। तो यहाँ पर यही पूछा गया था कि विच रिलेशन इज रॉन्ग, तो आपका इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, तो डी ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। तो बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी आ सकता है कि जो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ हीट एनर्जी है वो क्या होता है, ML2T-2। तो चलिए आगे बात करते हैं, तो देख लीजिए सारे क्वेश्चंस, ये पूरे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ओके, इस पेपर के, तो इस तरीके से आपको मतलब तैयारी करनी है। और यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है कि हमें क्या जो ग्रेविटेशनल लॉ है वो बताना है, तो जो ग्रेविटेशनल लॉ होता है, ठीक है, जो ग्रेविटेशनल लॉ होता है, तो इसका जो ऑप्शन था वो क्या था, ठीक है, इनमें से कोई नहीं था, क्योंकि जो एक तरीके से जो ग्रेविटेशनल लॉ होता है वो होता है एफ इज इक्वल टू ऑफ जी इज इक्वल टू m1 m2 / r² तो ठीक है, तो ये होता है। और वेट ऑफ अ बॉडी इज मैक्सिमम एट, मतलब जो वस्तु का जो भार होता है मैक्सिमम कहाँ होता है, तो हमेशा ध्यान रखिए अर्थ के पोल पर, मतलब पृथ्वी के ध्रुवों पर। और बाकी क्वेश्चन देख लीजिए, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आपके, और इनमें से ये सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं और जीएस से कोई महत्व नहीं है इनका, तो अगर कोई इस चीज़ की तैयारी कर रहा है तो बिल्कुल आराम से इन क्वेश्चनों को पढ़े, वीडियो स्टॉप करे, और एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकता है। हमने इसके ऑप्शन ऑलरेडी लगाए हुए हैं ताकि आपको कन्फ्यूज ना हो, आप समझ सको कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। देखिए मैंने वहाँ पर बता भी दिया आपको, तो आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा ये सब चीज़। तो ये लास्ट क्वेश्चन थे 100 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ ऐसे ही आप बने रहिए इजी टुडे के साथ। और ये आपके लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग है, तो अगर आप लोग इन वीडियोस को देखते हैं तो आप कमेंट जरूर करिए, और आप औरों को भी बता सकते हैं कि इन वीडियोस से आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, तो ये आप शेयर भी कर सकते हैं, ओके। तो ये फ्री ऑनलाइन कोचिंग है उन स्टूडेंट्स के लिए जो काफ़ी दूर दराज इलाकों में हैं, और आपका एक तरीके से कह सकते हैं कि ज्वाइन नहीं हो सकते हैं किसी कोचिंग में, कुछ किसी के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और हमारे साथ जुड़ने के बाद आपको एक महसूस होगा कि आप एक अच्छी गाइडेंस में हैं, ओके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऐसे बने रहिए जुड़े के साथ, ओके, थैंक यू एवरीवन।